मैं तो पिया से नैना। 300 रुपए की कॉफी। मैं तो पिया से शेखर, शेखर। ओह मजा आ गया यार सुधा, बहुत मजा आ गया, कमाल है। मतलब गंगा मैया के दर्शन करने के लिए जो अब है वो बनारस जाने की जरूरत नहीं है। अरे ये देखो, जय गंगा मैया। ये देखो, ये क्या? ये तो हमारा वाला नहीं है। नहीं मतलब अगर कुछ नया ट्राई करने का मन था तो मुझसे बोल देती, मैं जाके। तुम क्यों? मोनू की जेब से निकला है। उसकी जेब में से कोई रोज या चॉकलेट नहीं की जाकर बहू का नाम पूछे। तो ठीक है ना भाई, बच्चा हो भी तो गया ना 18 साल का, तो 18 साल वाले काम करे, जाकर वोट डाले। तो इलेक्शन भी तो हो, आप खड़े रहिए इलेक्शन के लिए, आप ही को वोट डालेगा। अरे यार तुम, मैं तो जा रही हूँ। एक मिनट तुम यार, ये बार 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 बात पे ये अटैची निकालना बंद करो। तुम बैठो, शांति। मैं हूँ ना, मैं बाप हूँ उसका, सब ठीक कर दूंगा, मैं बात करूंगा उससे, सब ठीक हो जाएगा। ओके, मुझे मूड है नहीं, मेरा भी नहीं है, ये तो हाथ में आ गया इसलिए पूछ लिया। हाँ हेलो भाटिया। यार इधर, वो जो मोनू को हमने जो वो स्पेशल वाला कंडोम दिया था ना, उसका जब है यार, मैं वही यूज कर रहा हूँ। अरे यार उससे बड़ा गजब हुआ पड़ा यार। क्यों, क्या हुआ? मिसेस के हाथ लग गया। सोच रहा हूँ कि मोनू को किसी तरह पटा उठो के बोल देता हूँ कि मम्मी को सॉरी बोले, बात खत्म करें और क्या। अरे यार मैंने दिया यार उसको अपने हाथों से वो स्पेशल वाला कंडोम, इतनी बात तो मानेगा ना मेरी। ओ शेखर माय गुड फ्रेंड, हाँ ये बिग मिस्टेक मत करना, वो ये 18 साल के लौंडे बड़े कमीने होते हैं, वो तुझे बचाने के बदले में ना कुछ भी मांग सकता है। वो मेरे अपने सिंपी ने मुझसे मेरे व्हाट्सएप मैसेज सीक्रेट रखने के लिए बाइक ले ली थी, और तेरी हेल्प तो ट्रिपल एक्स है, ड्रिंक कैसी लगती है तेरे को? शराब? शराब वो तो कभी मैंने पी नहीं है। आजकल रात को दोस्तों के साथ छत पे बड़ा आना जाना लगा हुआ है भाई। हाँ वो हम मिल्कशेक पीने जाते हैं रात को सब। ये मिल्कशेक है? तेरी मम्मी को पता चल गया है बच्चे कि रात को छत पे क्या क्या कांड हो रहे हैं। सॉरी पापा, पहली बार पिया था, वरना मिल्कशेक पीते हमेशा हर बार। नहीं नहीं नहीं, मेरे को सॉरी मत बोल भाई, नीचे आके अपनी मम्मी को सॉरी बोल, ठीक है? वैसे पिछले 30 दिनों से जहां से तू ये बियर खरीद रहे ना बच्चे, उसी दुकान से पिछले 30 सालों से मैं विस्की खरीद रहा हूँ। कितने सालों से? 30 सालों से। तो चुपचाप नीचे आ जा, सॉरी मम्मी, आगे से नहीं करेंगे, अपने किए पर पछतावा है बस, ठीक है? ठीक है हुँ? सुधा, सुधा भाई, तुम्हारा बेटा तुमसे कुछ कहना चाहता है, बोलो। सॉरी और माफ कर दो, अपने किए पे पछतावा है। शाबाश, वेरी गुड। सुधा भाई, अब बेटे ने माफी मांग ली, उसे माफ कर। नहीं कर रही है, नहीं कर रही है माँ माफ, क्योंकि तूने अपनी माँ को अंदर तक हर्ट किया। मैंने कभी मना किया है? लेकिन इस उम्र में आज की बात कभी नहीं करूंगा,
शादी के बाद करना जो भी करना हाँ, हाँ, मतलब, 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 शादी के बाद कोई रोक टोक नहीं है हाँ। नहीं नहीं मुझे सच में अच्छा लगा मैं शादी के बाद भी नहीं करूँगा अरे पगले तुझे अभी ऐसा लगता है लेकिन बाद में सब अच्छा लगने लगेगा है? चल आजा मम्मी के पास बैठ माफी मांग बात खत्म नहीं मम्मा मतलब मुझे दो तीन दिनों तक सर में दर्द रहता करने के बाद दर्द तो नहीं होना चाहिए अरे यार तू पाँव पड़ माफी मांग और निकल और माँ मैंने बस एक दो बार ही किया है दोस्तों के साथ मुझे नहीं जानना तूने किसके साथ कितनी बार किया है यार तू माफी मांग और निकल ना भाई छत पे दोस्तों ने पकड़ा दी तो मैंने ट्राई कर ली छत पे मेरी छत पे जहाँ मैं अचार सुखाती हूँ आप लोग किसकी बात कर रहे हो अरे कोई बात नहीं कर रहे भाई बाइक बात खत्म हो गई ये मिला तेरी जींस में से पर पापा पापा नहीं बचाने वाले पापा की तरफ मत देख ऐसे नालायक निकल यहाँ से पापा ये तो आप ही ने दिया है मुझे हाँ पापा ने दिया है तो फिर तू सॉरी क्यों बोल रहा है छत पे बियर पकड़ी सुधा ये जो लड़का है ना वो एक नंबर का नालायक है ये लड़का सेक्स करता है शराब पीता है ये शराब पी के सेक्स करता है मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुक सकती सुधा यार मतलब हर बात में तुम सामान लेके निकल रही तो सुनो मामा सुन तो मनु तुम जाओ बेटा किचन में जाओ मिल्क शेक लो छत पे जाओ आराम से पियो आराम से आना वापस जाओ 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 अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें फेसबुक पर अरे को लाइक करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ऐप डाउनलोड करें और अगली बार जींस में नहीं वॉलेट में रखें